हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कावेरी तेजस एंड एवरीथिंग न्यू। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीटीआरई कावेरी के बारे में। इस साल 15 फरवरी को मैंने एक वीडियो करके आप सभी को बताया था कि जीटीआरई कावेरी इंजन के ऊपर एक आफ्टर बर्नर लगाया जा रहा है, और 17 जुलाई को हम लोगों ने आपको ये चीज बताई थी कि इस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस एरोस्पेस को दे दिया गया है। अब 2-3 दिन पहले एक पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट की तरफ से इसी चीज को दोबारा से रिपब्लिश किया गया है, और नेचुरली उन लोगों ने हम लोगों को क्रेडिट नहीं दिया है। फ्रेंकली अब मुझे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। एनीवेज, इस समय डिफेंस की न्यूज थोड़ी स्लो है, और नेचुरली जिनको लगातार बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना है उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। यही कारण है कि इस पुरानी न्यूज को वापस से रीफ्लेवर करके उनकी तरफ से पब्लिश किया गया। करंट स्टेटस को समझने के लिए आपको ये प्रोसेस थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिये, ये चीज हम सभी जानते हैं कि जीटीआरई कावेरी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अगर भारत इस इंजन के बेसिस पर एक ऐसा इंजन बना लेता है जो तेजस एयरक्राफ्ट में यूज किया जा सके तो भारत पूरी तरीके से इस सेगमेंट में भी आत्मनिर्भर हो जाए। कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम सभी चाहते हैं कि यह इंजन प्रोग्राम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी समय से भारत ने इस इंजन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो नेचुरली प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता। देखिए, बेसलाइन कावेरी इंजन के साथ में जीटीआरई 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम रही है, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेन्ड मैक्सिमम थ्रस्ट की। लेकिन तेजस की रिक्वायरमेंट है 84 किलो न्यूटन की, यानी कि अगर करंट कावेरी इंजन के साथ में तेजस को उड़ाया जाए तो यह एयरक्राफ्ट उड़ेगा, लेकिन इसको टेक ऑफ करने के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा रनवे चाहिए होगा, इसका पेलोड कम होगा, इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी कम होगी, और यह एयरक्राफ्ट हवा में उतना अजाइल भी नहीं होगा। लेकिन कावेरी के बेसिस पर यह एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, और डीआरडीओ का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एम यही है कि तेजस के ऊपर इस इंजन को लगाकर इसको उड़ाकर दिखाया जाए। एक बार जब ये कोर्स सर्टिफाई हो जाता है तो उसके बाद इसको स्केल अप और डाउन करना कंपैरेटिवली आसान होगा। यहाँ पर बेसिक गोल इस कोर को सर्टिफाई कराना है। हालांकि जब बेसलाइन कावेरी के ऊपर काम करना शुरू किया गया था तब देश में टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक देश में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है। इनमें से कई सारी टेक्नोलॉजीज को ड्राई कावेरी इंजन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ड्राई कावेरी इंजन में यूज होने वाला नया फैन। इस नए फैन के चलते ड्राई कावेरी इंजन 51 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और इसी वजह से जीटीआरई की तरफ से इस ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर आफ्टर बर्नर लगाया जाना है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है। इस आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन के लिए ड्राई सेगमेंट गोदरेज की तरफ से बनाकर दिया जाएगा, और आफ्टर बर्निंग सेगमेंट ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बनाया जाएगा। साथ ही साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस ड्राई और आफ्टर बर्निंग सेगमेंट को एक साथ मेट करने के लिए टूलिंग और जिग्स भी प्रोवाइड करें। अब इस पूरे प्रोसेस की प्रोग्रेस को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ी। पहला, इस तरीके के प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं की जाती है, और आप इनडायरेक्टली ही समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली इस समय क्या चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बिलिंग माइलस्टोन बेस्ड है, यानी कि एक माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद में ही उसकी बिलिंग की जाती है, और एडवांस पेमेंट 30% की थी। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को लेकर 60% बिलिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि 60% प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है, लेकिन इसको लेकर पूरी क्लैरिटी हम लोगों को एरो इंडिया में ही मिलेगी। रही बात इस इंजन और तेजस के इंटीग्रेशन की, तो आइडिया था कि एक एलएसपी एयरक्राफ्ट के साथ में इस इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा। वैसे ये एलएसपी एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट हैं, और इनके ऊपर एचएएल या डीआरडीओ का कंट्रोल नहीं है। कुछ जगहों पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इस इंटीग्रेशन को ग्रीन लाइट नहीं दी गई है। हालांकि आमतौर पर इस तरीके के डिसीजंस के साथ में कुछ और चीजें लिंक्ड होती हैं, और जब तक हम लोगों को इस प्रोसेस से रिलेटेड पूरी पिक्चर नहीं मिल जाती है तब तक इसको लेकर ओपिनियन बनाने का कोई मतलब नहीं। पर्सनली मैं रेकमेंड करूंगा कि एरो इंडिया का वेट कीजिए, और एरो इंडिया में इस कावेरी इंजन को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ टेस्टबेड को लेकर भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या एक्चुअली भारतीय वायुसेना ने ये वीटो किया है, या फिर भारतीय वायुसेना का कोई और प्रपोजल है। फरवरी में एरो इंडिया होगा और मैं वहां जरूर पहुंचूंगा, यानी कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलती रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेजस में आ रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है उसमें डिले हो रहा था। मतलब जी जो है इंजन को डिले कर रहा था। फिर हम कह रहे थे कि तेजस के इतने सारे हमने तेजस बना दिए हैं, सिर्फ जी का इंजन बाकी है, जी का इंजन आएगा, फिट होगा तो तेजस रेडी है। मतलब सोचिए कि एयरप्लेन्स भी हमारे बन के रेडी हो गए विदाउट इंजन,
और इंजन जी से आना था, डिले हो रहा था, जो भी है यूएस की वैसे हालत बुरी चल रही है इन चीज़ों में, तो ये सब था। अब जो है ऑब्वियसली इंडिया को पता है कि ऐसे डिपेंड करने लग गए किसी और कंट्री पे, फिर तो हो लिया भैया कहीं वॉर हो रही है, वॉर में वेट कर रहे हैं कि भाई इंजन कब आएगा फिर हमारे एयरप्लेन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी अपनी प्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए कि वॉर हो गई तो आप धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एयरप्लेन्स और फ्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कावेरी चाहिए। कावेरी पे क्यों रुका हुआ था कार्यक्रम ये मुझे पता नहीं है, कावेरी को शुरू कर देना चाहिए, मगर वो पहले जो है प्रोटोटाइप को दिखाना चाहते हैं कि यस कावेरी एक्चुअली चलता है, पर यह है कि स्लो चलता है, क्योंकि अभी तो लोगों को डाउटफुल होगा कि भाई आपने हर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यही होता है वो लगाएंगे इतना पैसा लगा दिया, पता नहीं बाद में कोई डट ही नहीं निकला तो सारा पैसा बर्बाद हो गया हमारा, किस नाम से क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए उन्होंने बनाया है प्रोटोटाइप, बोल रहे हैं आप लगा के देख लो, यस इसमें पावर कम है मगर उड़ेगा, सब कुछ काम करेगा, जिससे पता लग जाए कि वो चीज़ सही है। अब उसको आपने सिर्फ इम्प्रूव करना है, तो फिर और फंडिंग मिल सकती है कि आपका प्रोसेस ठीक जा रहा है, उसको और रिफाइन करिए, बेटर करिए, ऐसी ही टेक्नोलॉजी आती है, कोई आपको ऐसे तो दे नहीं देगा। मगर देखिए इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है कि कोई भी अभी तक इंडिया कोलैबोरेट नहीं कर पाया किसी और कंट्री से जो कहे हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी देते हैं। कौन देता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़? ब्रह्मोस की बात करें मगर ब्रह्मोस एक मिसल है, उसको इंजन नहीं चाहिए एयरप्लेन उड़ाने के लिए, राइट? तो कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इंजन बनाने की, कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन में मिल के बनाएंगे एयरप्लेन मगर इंजन फिर भी कहीं और से आएगा। ऐसा नहीं है किसी ने बोला कि आपको सिखाते हैं इंजन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन ये होता है जब होता है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये होता है कि कुछ पार्ट्स जो है फिर भी बाहर से आएंगे, आप असेंबल करिए मैन्युफैक्चर करके चले गए, मेन पार्ट्स जो होता है सीक्रेट, क्योंकि लोग बोलेंगे इसमें हमारा पैटर्न लगा है, हमने इतने साल लगाए थे इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, इतना कुछ किया हमने बनाने में, करना भी किसी का कि भैया हमें वो टेक्नोलॉजी दे दे वो भी गलत ही है। ये सिर्फ चाइनीज ही है जो कहते हैं आओ आओ कोई बात नहीं हमें कोई टेक्नोलॉजी मत दो प्लीज यहाँ बनाओ, क्योंकि वो खुद खोल खाल के देख ले जैसे यहाँ बनने लगते हैं, सो बना कौन रहा है, जो भी कर रहा है जो भी असेंबल कर रहा है सब चाइनीज ही हैं, तो वो धीरे धीरे उस सामान को समझते हैं, पूरा रिवर्स इंजीनियर करते हैं, टेक्नोलॉजी निकालते हैं, ऐसे कर करके अभी तक इक्वल आ गए हैं टू यूएस। तो वही हमें भी करना, टेक्नोलॉजी में भी हर चीज में उन्होंने क्या बोला, उसको बोला आओ आओ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो, फिर शुरू किया उन्होंने पार्ट से कि इतने सारे में से ये छोटा पार्ट है ये पहले शुरू करते हैं, फिर उन्होंने बोला कि देखो आप वहाँ से क्या मंगवाते हो उस पार्ट को, आप यहीं से खरीद लो पार्ट, फिर धीरे धीरे करते करते उनके पार्ट्स बढ़ते चले गए, पूरा पूरा उन्होंने टेक ओवर कर दिया। तो अभी किसी ने ये न्यूज़ नहीं दी मगर ये न्यूज़ आनी चाहिए कि हुआवे ने अपना जो बनाए हैं फ़ोन, मेरे ख्याल से मेट 70 है मेट 80 है, उसमें उसने जो प्रोसेसर बनाया 100% चाइनीज़ प्रोसेसर है, वरना पहले होता था प्रोफेसर आप जैसे यूएस में क्वाल काम कर ले लो, आप एप्पल का तो अपना यूज़ करता है हर बंदा जो है प्रोसेसर, या जो ताइवान बनाता है TSMC वगैरह उससे ले लो, मगर खुद कोई प्रोसेसर नहीं बनाता। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने उस पूरा फ़ोन इंडिजिनस है, पूरा एक एक चीज़ उनकी है, प्रोसेसर भी उनका है, तो उसे बहुत तहलका मच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने वही 7 mm की नैनो कि माइक्रो जो भी है नैनो टेक्नोलॉजी लगाई है, बहुत कुछ था उसके डिटेल्स आए थे, और उन्होंने जो ओपन करके देखा उन्होंने लगा कि यार ये काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं एप्पल से, क्योंकि उन्होंने चोरी की है, कहाँ से चोरी की है, चोरी करके कर रहे हैं बड़े, उनको लगा ये डिज़ाइन देखो ये डिज़ाइन देखो तो मिलता जुलता क्यों एप्पल से डिज़ाइन। तो इवेंचुअली जो है एनी हाउ हुआवे ने बना दिया, अब चाइना उस लेवल पे आ गया कि 100% वो चीज़ें जो है अपनी ही बनाता है, दे डोंट नीड एनी अदर कंट्री। 10 साल में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो वही हमें भी सीखना चाहिए, उसी तरह से हमें भी तोड़ के खोल के अपने आप टेक्नोलॉजी गेन करके बनानी चाहिए। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।